हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि iPhone 6X ओनली 3950 रुपये का मिल रहा है, या फिर अगर आप कहीं ऑनलाइन एड देखते हो आपको ओनली 3950 मिला, तो क्या आप बाय करोगे? अगर आप बाय करने की सोच रहे हो या फिर नहीं सोच रहे हो, दोनों में से अगर आप कोई भी कंडीशन में हो तो आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए। क्योंकि अगर आप ये ऑनलाइन प्रोडक्ट बाय करते हो तो आपके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है, और ये जो स्कैम है मेरे फ्रेंड के साथ में हो भी चुका है। तो अगर आप ऑनलाइन बाय करते हो तो आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं। बात कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्कैम होता कैसे, तो और मेरे फ्रेंड के साथ में कैसा हुआ? तो मेरे फ्रेंड के साथ में इंस्टाग्राम पे हुआ। यह जो ऐड है मैंने पता किया, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक ये दोनों जगह सर्व किया जा रहा है, तो आपको कहीं पे भी दिख सकता है। तो मेरे फ्रेंड को इंस्टाग्राम पे सर्व हो गया, इंस्टाग्राम पे दिख गया। तो कैसे दिखा? तो ये स्क्रॉल डाउन कराता है, जैसे कि आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो आप नीचे नीचे पोस्ट करते रहते हो, ठीक है? तो वहाँ पर नीचे नीचे कर रहा था मेरा फ्रेंड, और वहाँ पर उसे ऐड दिख गया, एड दिखा, और वहाँ पे पूरा iPhone 6 एकदम बढ़िया क्वालिटी में दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, पूरी अच्छी सी वीडियो भी आई हुई है, ठीक है? तो मेरा फ्रेंड ने वहाँ पे क्लिक किया। जब वहाँ पे क्लिक किया तो डायरेक्ट एक वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो गया। इसका नाम था finalgood.in, ठीक है? finalgood.in था। तो यहाँ पे जैसे मेरे फ्रेंड ने किया ओपन, तो वहाँ पे आप शो हो ही जाता है। तो वहाँ पे जब वो नीचे गया तो वहाँ पे उसको iPhone 6S दिखा, और फ़ोन परचेज़ भी करना था उसे, और ऐसे सब भाव को परचेज़ भी कर लेते क्योंकि ज़रूरत होती है फ़ोन की, और इतने कम दाम में मिल रहा है वो भी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखिए स्कैमर्स ने कितना दिमाग लगाया, iPhone 6S दे रहा है। अगर वो iPhone 7 देते तो बंदा थोड़ा सोचता कि इतना महंगा फ़ोन, क्योंकि iPhone 7 अभी भी जस्ट महंगा है, तो iPhone 7 कितना इतना सस्ता कैसे मिल जाएगा। iPhone 6S इसने रखा है, वो भी वेरियंट कौन सा 2 GB ओनली देखने को मिलता है, तो बंदा सोचता है कि इतने कम दाम में देखने को मिल रहा है, और प्लस वेरियंट भी उस हिसाब से 32 GB देखने को मिल रहा है। तो कंपनी वाले ने दिमाग बहुत डेंजर लगाया है, ठीक है? स्कैमर्स भी कितने कैसे स्कैम करते हैं। तो ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि तो सोचा उन्होंने परचेस कर ले। तो जब नीचे आप जाते हो वेबसाइट के, जैसे उन्होंने स्क्रॉल डाउन किया मेरे फ्रेंड ने, तो यहाँ पे नीचे, और सबसे बड़ी दिक्कत तो मुझे यही फर्स्ट वॉल लग गई वेबसाइट हुई, पूरी वेबसाइट को आपको ओनली ओनली एक फ़ोन देखने को मिलेगा, एक वेरिएंट देखने को मिलेगा। कलर तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, iPhone 6X 32 GB ओनली आपको 32 GB वेरिएंट वाला ही देखने को मिलेगा, एक फ़ोन ही देखने को मिलेगा पूरी वेबसाइट पे, और कोई दूसरा फ़ोन अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है? तो मेरे फ्रेंड ने इसे परचेज किया, यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जब वो नीचे गए एड टू कार्ट पे, ठीक है, तो उन्होंने कार्ट कर दिया। तो जब प्रोस चेकआउट पे कर रहे थे तो वेबसाइट पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये मांगा गया कि आपको पहले कैश ऑन डिलीवरी, इस पर तो कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, ठीक है? तो कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल ही है, तो यहाँ पे पहले बताया कि आपको 20 रुपया पहले पे करना पड़ेगा। इसमें साफ साफ इन्होंने बताया हुआ है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्कैम कर लेते हैं, स्कैमर्स ही बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग फालतू में ऐसे ऑर्डर कर लेते हैं जिससे हमारा नुकसान हो जाता है, इसके लिए पहले हम 20 रुपया आपको एडवांस में देना पड़ेगा। तो मेरे फ्रेंड ने 20 रुपया एडवांस में दे भी दिया, ठीक है, पूरा प्रोसेस दे दिया। और उसके बाद में फिर नीचे जाओ तो वहाँ पर आपको COD का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है, COD का ऑप्शन मिल जाता है। तो मेरे फ्रेंड ने तो COD भी कर दिया, ठीक है, तो उसकी तो दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप नीचे जाते हो तो रिव्यूज़ देखने को मिलते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी एक प्रोडक्ट बाय करते हो तो रिव्यूज़ बहुत मैटर करते हैं। तो इसमें आपको रिव्यूज़ सारे के सारे 5 स्टार, बस कोई भी मतलब आपको इसमें दिखेगा ही नहीं कि कम हो, सारे सारे 5 स्टार, बेस्ट क्वालिटी, अमेजिंग फ़ोन, यानी पूरा लग जाएगा आपको, ठीक है, एकदम बढ़िया ये फ़ोन है, इतने सस्ते में एकदम कमाल का फ़ोन दिया जा रहा है, ठीक है। और लेकिन एक दिक्कत इसमें देखने को मिलेगा कि वो जो रिव्यूज़ दिए गए उस पर आप टैप करोगे तो कुछ दिखेगा नहीं, खाली फ़ोटो चिपका दिया और उसके नीचे रिव्यू लिख दिया और 5 स्टार दे दिया गया, यानी अपने से सब कर दिया गया है, वहाँ पर किसी का भी नाम वाम कुछ नहीं लिखा हुआ है, ओनली ओन आपको पागल बनाने के लिए वहाँ पर ऐसा शो कर दिया गया, ठीक है। तो रिव्यूज़ आदमी अगर कोई देखता, जैसे कि कोई जो टेक बंदा होगा जिसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी तो उसको सोचेगा, कुछ दिमाग लगाएगा, लेकिन जो ज़्यादा मतलब वो टेकी बंदे नहीं होते हैं वो सोचते हैं चलो अच्छी बात है भाई, अच्छे रिव्यूज़ भी दिए गए हैं। तो उसके बाद फिर नीचे जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई है, इसी तरह करके उन्होंने कर लिया बाय, ठीक है, पूरी प्रोसेस तो यहाँ से ख़त्म हो गई। तो जब उन्होंने बाय किया तो ई कार्ट के थ्रू आया, ई कार्ड ई कॉम एक्सप्रेस जो होती है जो डिलीवर करती है, तो उनके घर में आज ही जस्ट डिलीवर हुआ। तो वहाँ पे तो लिखा हुआ आता है कि 2 से 3 दिन में आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा, और फ़ोन नंबर भी था। जब आप यहाँ पे सब कुछ वेरीफाई करते हो तो आपके एक नंबर से कॉल भी आता है कि आपने ये ऑर्डर सही में किया है, कन्फर्म है आपका ऑर्डर? तो उसने कहा हाँ। अब नंबर पे हम फ़ोन भी लगा रहे हैं तो बंदा फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, ठीक है, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है वो बंदा, ठीक है। तो ईकॉम एक्सप्रेस वाले जब आए आज देखे गए, तो उसने जब पार्सल ले लिया, ठीक है, 3950 रुपये उन्होंने उसने दे दिया। देने के बाद में जब वो घर पे आया तुरंत, तो उसने जब अनबॉक्स किया यानी जब प्रोडक्ट खोला, तो उसमें क्या देखने को मिलता है,
तीन घड़ी देखने को मिलता है, यानी सीधा सीधा पूरी तरह से ये स्कैम ही है। तो बाद में फिर एक तो सबसे बड़ी मेरे फ्रेंड की यही गलती हो गई कि इन्होंने जो लेके आए थे पार्सल वाले, उनके सामने इन्होंने ओपन नहीं किया, क्योंकि अभी तक ये अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से परचेस कर चुके, दोनों जगह से इन्होंने परचेस किया है और उनको कभी भी सामने खुलने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। प्रोडक्ट हमेशा जेन्युइन ही निकला है, अच्छा ही निकला है। प्लस अमेजोन और फ्लिपकार्ट की जो सर्विस होती है वो बहुत बेहतरीन होती है, लेकिन ये सोचे कि ये भी ऐसे ही होगा। उन्होंने अनबॉक्स किया तो ये निकला। उसके बाद में फिर जब इन्होंने फ़ोन लगाया जो डिलीवरी मैन, जैसे कि अगर कोई घर पर डिलीवरी लेके आता है तो कॉल करता है, भाई मैं यहाँ पर आ गया हूँ, आपका जगह दिख नहीं रहा, आप मुझे यहाँ पर आके मिल जाइए। तो जब इन्होंने डिलीवरी मैन को कॉल किया तो यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका क्या दिक्कत होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है और अगर आप डिलीवरी मैन को कॉल लगाते हो तो कॉल नहीं लगेगा ई कॉम एक्सप्रेस वाला, ठीक है, ई कॉम एक्सप्रेस पे। तो ये भी दिक्कत है, क्योंकि ये सारी जो फेसेस करना पड़े, सारे प्रॉब्लम्स, तो आपको सारा जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने जब फर्स्ट ऑफ ऑल फ़ोन करोगे तो OTP मांगता है, तो OTP तो आपके फ़ोन नंबर पर मैसेज कर दिया जाता है, तो अगर आप OTP वो डालते हो तो इनकरेक्ट बता देता है। तो हमने ये देखा, ये भी नहीं हो रहा था। फिर हमने ई कॉम एक्सप्रेस की जो कस्टमर केयर से बात किया तो क्या बोलते हैं साहब सब कि भाई इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको वहाँ पे खोल के देख लेना चाहिए था। तो हम लोगों ने बोला कि अगर हम वहाँ पे खोल के देखते तो क्या आप रिटर्न ले लेते? तो उन्होंने बोला हाँ हम रिटर्न ले लेते, लेकिन अगर आपने घर पे जाके खोला है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब इससे आप क्या कहें, अब हमारी भी गलती है, प्लस इनको ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके सामने खोलेंगे तो वापस ले लेंगे, लेकिन अगर हमने बाद में खोला है तो नहीं लेंगे वापस। भाई अगर उसी टाइम बोल देते हम नहीं लेंगे तो वापस ले ही लेते। तो इन्होंने साफ साफ ऐसा बोला, प्लस हमने बोला कि अच्छा ठीक है चलिए हमारे साथ स्कैम हो चुका है, आप हमारी थोड़ी हेल्प कर दीजिए, जिन्होंने ये डिलीवर किया थोड़ा हमें उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, क्योंकि हम जिसके साथ में हमने कॉन्टैक्ट किया था, जिसका हमें नंबर मिला था, हमारे साथ उससे बात हो नहीं पाई। तो क्या बोलते हैं भाई, हम किसी को अपनी जो डिटेल्स होते हैं वो शेयर नहीं कर सकते, मतलब हमारे साथ स्कैम भी हो रहा है, हम बोल रहे हमारी थोड़ी हेल्प कर दीजिए, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट नंबर तो लग नहीं रहा। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, यानी जो ई कॉम एक्सप्रेस थी उसकी सर्विस मुझे बहुत खराब लगी मेरे हिसाब से, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। थोड़ी कुछ हेल्प कर देना चाहिए अगर स्कैम हुआ है किसी के साथ में। तो इस तरह का पूरा स्कैम चल रहा है, और जैसे कि मैं आपको सामने शो भी कर दूंगा कि बॉक्स कैसा दिखा, उसके बाद में जो ऊपर लेबल लगा हुआ रहता है वहाँ पर साफ साफ जो मेरे फ्रेंड ने जैसे ऑर्डर किया एड्रेस सारा शो किया था, क्योंकि उसने बंदे ने ऊपर ही देखा, ऊपर स्टिकर जैसे चिपका हुआ आता है, ठीक है, बिल जैसा, तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ था, और वहाँ पर नाम भी लिखा था कि यहाँ से आया हुआ है कोई इंटरप्राइज करके था, ठीक है, इंटरप्राइज करके किसी का, मैं आपको शो कर दूंगा बिल, इंटरप्राइज करके था, और अंदर बिल में साफ साफ लिखा होता तीन गाड़ी देखने को मिल रहा है आपको, और सीधा सीधा बस नाम अंदर बिल पे नाम नहीं लिखा था मेरे फ्रेंड का, लेकिन वहाँ पे साफ साफ लिखा था कि आपको तीन गाड़ी डिलीवर किया जा रहा है, आपको इतना डिस्काउंट दिया जा रहा है, टोटल मिला के 3950 रुपये का बिल बन चुका है, ठीक है। तो इस तरह से मेरे फ्रेंड के साथ में स्कैम हो चुका है। और इंस्टाग्राम ID अगर मैं जाके खोलते हुए देखता हूँ तो यहाँ पे आपको उन्होंने तीन वीडियो देखने को मिलती है, लास्ट वाला वीडियो तो चलता ही नहीं है, दो वीडियो देखने को मिलते, उसमें आपको iPhone 6s की इतनी अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाई है, क्या बताऊँ मैं आपको। तो इस तरह से आप कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आप यहाँ से ज़रा से भी मत कीजिए। मेरे हिसाब से जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो आप Amazon से, Flipkart से या Me.com से, मैंने इस तीन जगह से मैंने परचेस किया है, और मेरा एक्सपीरियंस हमेशा कमाल रहा है, क्योंकि मेरे Amazon पर मैंने एक बार फ़ोन ऑर्डर किया था, ऑनलाइन मैंने पेमेंट भी कर दिया था, लेकिन किसी कारणवश जो प्रोडक्ट था, जो फ़ोन था, वो डैमेज हो गया था, तो मुझे 1 वीक के बाद मुझे रिफ़ंड भी मिल गया, तो भी बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने अमेजोन पे एक बार ट्राईपोड मंगाया था, वो भी मैंने रिटर्न किया, उसका भी मुझे रिफ़ंड मिल गया, यानी जो मुझे इसकी सर्विसेज लगी वो मुझे बहुत बढ़िया लगी। तो अगर आप कभी भी ऑनलाइन को शॉपिंग कर रहे हो तो आप ये लल्लू पंजू वेबसाइट से मत परचेस कीजिए, ये तीन वेबसाइट हुआ, या फिर और जैसे Myntra.com हुआ, या फिर Ajio.com, यानी जो बड़ी बड़ी थोड़ा नामी जामी वेबसाइट है, आप वहाँ से परचेस कर लीजिए, आप इस जगह से परचेस ना कीजिए, मैं आपको साफ साफ मना कर देता हूँ। अगर ये नामी जामी वेबसाइट से भी परचेस करते हो, Amazon, Flipkart या फिर जितने भी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी, ठीक है, अगर आप वहाँ से परचेस करते हो तो डिलीवरी मैन जब आपके पास में प्रोडक्ट लाता है तो उसके सामने अनबॉक्स कीजिए, बोलिए भैया आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं यहाँ पर अनबॉक्स कर लूँगा, तब मैं आपको पेमेंट दूंगा। और आपको हमेशा COD ही रखना है, कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने भी तो COD ही रखा था, लेकिन क्या हुआ वो खोल नहीं पाया, मतलब ध्यान से उतर गया। लेकिन आपको ये बात जरूर ध्यान में रखना है कि आपके साथ में कभी भी इतना बड़ा स्कैम ना हो पाए, आप तुरंत उसके सामने ओपन कर लीजिए, अगर आपको प्रोडक्ट सही नहीं लग रहा है तो आप तुरंत हाथों हाथ वापस कर दीजिए, भाई मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आपने पेमेंट तो किया ही नहीं है, और सामने वाला बंदा भी देखेगा हाँ भाई गलत प्रोडक्ट आ गया तो लेके भी चला जाएगा। लेकिन आप घर पर ला के देखते हो तो आपके साथ में रिटर्न नहीं किया जाएगा, फिर आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो आप ये जरूर बाद में ध्यान रखिए, क्योंकि आज के समय में ऑनलाइन स्कैम बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और इसके एड्स भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। कुछ दिन पहले तो यूट्यूब पर भी एड्स देखने को मिला था, क्रिप्टॉन फोन करके, जो बहुत भारी भारी फोन थे, जैसे Redmi Note 8 Pro का जो
आगे की ब्रांडिंग हटा के उसका कि क्रिप्टो में रख दिया जाता था और नेम सीरियस का नेम सेम रख दिया जाता था और आपको 3,000, 4,000, 5,000 में देखने को मिल रहा था। तो इस तरह से ऑनलाइन स्कैम आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको जरूर ये बात का ध्यान रख लेना है कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट बाय कर दो तो आपको ये सारी सावधानी जरूर रख लेना है। तो चलिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।